ननिहाल से दोनों बालकों को बुलाया है, भरत और शत्रुघ्न को। भरत को कुछ अनुमान तो लग गया क्योंकि भरत एक संत हैं। और जब आए ऐसा लग रहा है कि अयोध्या सूनी सूनी हो गई है। भरत समझ नहीं पा रहे कि ये अयोध्या का इस तरह का रूप हमने कभी नहीं देखा। पहले अयोध्या में प्रवेश करते थे तो अयोध्या की खिलावट और ही कुछ होती थी। आज ऐसा लगता है कि अयोध्या में कोई व्यक्ति बचा ही नहीं है। पहुंचे सीधा, पूछता हूं मां को, मां कैकई के पास गए। मां ये मुझे क्या दिखाई दे रहा है, हर तरफ सूनापन सा लग रहा है, क्या आप जानती हो अयोध्या में कुछ ऐसा हुआ है क्या? मेरा मन बहुत घबरा रहा है, मां ऐसा क्या हुआ है? और कैकई को जब सूचना मिली है कि मेरा बेटा भरत आ रहा है, अरे इस अयोध्या का राजा आ रहा है, तो वो तो आरती की थाली उसने ली और आरती करने के लिए लालायित हो रही है, अरे इस अवध का राजा आ रहा है, अब आरती की थाली सजा रखी है। जैसे ही भरत आए, बेटा तू आ गया, बैठ मैं तेरी आरती करती हूँ, अब तो तेरा जीवन ही बदल गया। वो कहता है, माँ पहले मुझे बता कि हो क्या रहा है, ऐसा हुआ क्या है कि अयोध्या में कोई किसी से बात ही नहीं करता, किसी से कुछ पूछो तो कोई बताता ही नहीं है, कोई मुझसे कुछ बोलता ही नहीं है, सब ऐसा दिखता है जैसे शुभ अयोध्या में कुछ बचा ही नहीं है, क्या हुआ है माँ? अरे कुछ नहीं बेटा, तुम तो बैठो यहाँ, मैं तुम्हें बताती हूँ। और हंस करके, प्रसन्न होकर के कैकई कहती है, पुत्र देखो आज मैंने ऐसा कुछ मांग लिया है तुम्हारे पिता से कि तुम्हारे जीवन को धन्य कर देगा। अरे माँ क्या हुआ है? बेटा तुम अब इस अयोध्या के राजा बन गए। मैंने तुम्हारे पिता से दो वरदान मांग लिए थे और उन्होंने दे भी दिए। राजा दशरथ मृत्यु के गाल में पड़े हैं, राजा दशरथ के प्राण निकल चुके हैं, मृत शरीर पड़ा है, राम लखन जानकी इस अयोध्या से चले गए हैं, और इतना होने के बाद भी कैकई मुस्कुरा कर कहती है कि तेरा जीवन धन्य हो गया है, तू राजा बन गया है, मैंने दो वरदान मांग लिए थे तेरे लिए राज्य और वो राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। कुछ ऐसा ज्यादा नहीं मांगा, थोड़ा सा, दो वरदान थे तो मैंने सहज में मांग लिए, तुम तो अब खुशियां मनाना शुरू करो और राज तिलक की तैयारी शुरू करो। हाँ बेटा सब कुछ अच्छा हो गया था लेकिन थोड़ा सा बुरा हो गया, तुम्हारे पिता इस दुनिया में नहीं रहे। बस इतना सुना, कप कपाने लगे भरत। माँ को देख रहे हैं कि ये माँ हो सकती है, ये वही है जो राम जी को अपने प्राणों से अधिक प्रेम करती थी, ये वही है जिसने मुझे राम के चरणों में प्रीति करना सिखाया, क्या ये वही कहती है? अरे आज तो मुझे माँ कहने में भी शर्म आती है। और मानो भरत ऐसा कहते हैं कि जब ते कुमत कुमत जी अठय हो और खंड खंड हुई हृदय न गया। तू माँ है, तूने जब अपनी जुबान से ये शब्द निकाले तब तेरा हृदय फट क्यों नहीं गया? तू माँ कहने की भी लायक और अधिकारिणी नहीं है, तू माँ नहीं हो सकती है। तूने अपने बच्चों को घर से निकाल दिया और तूने अपने पति को डस लिया, तू तो नागिन है। मुझे राजा बनाना चाहती है, अयोध्या को तुमने नरक में डालकर तुमने सोच कैसे लिया कि मैं राज्य गद्दी स्वीकार कर लूंगा? अरे वर मांगत तो भाई नहीं पीरा, जरा भी तकलीफ मां तेरे हृदय में नहीं हुई? वर मांगत तो भाई नहीं पीरा और गरी न जी मुख परे हूं न कीरा,
इतना इतना बुरा एक बेटा नहीं कह सकता जितना आज भरत ने पीड़ा के कारण कैकेयी को कह दिया। तेरे जुबान पर कीड़े नहीं पड़े, तेरा हृदय फट क्यों नहीं गया? तूने ऐसा विचार सोचा उससे पहले, तू मर क्यों नहीं गई? तूने हमारे अयोध्या को नरक में डाल दिया, तूने हमारे जीवन को नष्ट कर दिया, तूने मेरे परिवार को तितर बितर कर दिया, बखेर के रख दिया। तू माँ नहीं हो सकती और एक पल भी मैं तेरे पास नहीं रुकूंगा। और आज से तू भूल जाना कि मेरे साथ तेरा कोई रिश्ता है, तू मेरी माँ नहीं है और मैं तेरा बेटा नहीं हूँ। तुम मन में ये कल्पना करो, बेटा मैंने जन्मा ही नहीं और मैं समझूंगा बिन माँ का हूँ, मेरे कोई माता ही नहीं। तप कर बुझ कर हो गया ठोस ये हृदय न कोमल पात रहा, और माता नहीं मात रही जब से ये भरत न तब से भरत रहा। ये वो भरत नहीं है, भूल जाना कि जो तेरा बेटा कहता था, अब तेरा बेटा नहीं है, तेरे साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है। मानो तो है संबंध सभी और मानो तो सारे नाते हैं, वरना इस दुनिया में जीव अकेले ही आते और जाते हैं। मानो तो तभी रिश्ते हैं, और तूने किसी रिश्ते की मान मर्यादा नहीं रखी, तू मां नहीं है। और कप कपाता हुआ हृदय, अश्रुपात करते हुए भरत गिरते खड़े होते हुए, आज इतनी सामर्थ्य भरत के अंदर नहीं है कि खड़े होकर के सीधे जा सके, कई बार मार्ग में ठोकर खाते हैं और मां कौशल्या के पास चले जाते हैं। मां कौशल्या तो अपने दुख से ही दुखी है, माँ को लगा इसकी भी मंजूरी होगी, अपनी माँ की सम्मत सहमति में कहती है, बेटा अब तो तू प्रसन्न हो जा, तू राजा है, अब तो तू खुश हो जा, तू तो अयोध्या का राजा है। और भरत आज माँ की गोद से लिपट लिपट कर रोते हैं, माँ इसमें मेरी कोई चूक नहीं है, तू ऐसी बातें करके मुझे अपनी कोख से अलग मत कर माँ, इस बालक का कोई अपराध नहीं है, यदि कैकेयी ने अपराध किया है तो उस अपराध का भागीदार मुझे क्यों मानती है माँ, मेरी इसमें कोई भूल नहीं है। मैं सौगंध खाकर कहता हूँ माँ तेरी कि मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है, मुझे कोई जानकारी कोई परिचय नहीं था, ये सब कैकेयी का किया हुआ है, लेकिन तू चिंता मत कर माँ। माँ को समझाते हैं और आज भरत और कौशल्या एक दूसरे से लिपट लिपट कर रोते हैं। जो माँ के आंसू निकले नहीं थे, जो माँ तब से धैर्य बांध कर रखी हुई थी, पति को भी संभालना है, अयोध्या वासियों को भी संभालना है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी राम देकर गए, पुत्र चले गए, पुत्र वधु चली गई, लेकिन उसके बाद भी माँ हृदय पर पत्थर रख करके आंसुओं को रोक रखी थी, आज लिपट लिपट कर गले से लग करके रोई है, भरत सब कुछ समाप्त हो गया, भरत ये जीवन समाप्त हो गया। अब ये केवल तुम जिस माँ को देख रहे हो वो माँ का शरीर है, इसके अंदर प्राण नहीं है, प्राण चले गए भरत, प्राणहीन ये एक जिंदा लाश है। अब कोई खुशियां नहीं है, कोई आनंद नहीं है, तेरे पिता नहीं रहे, तेरे भाई अयोध्या में नहीं रहे। आज बहुत रोए हैं भरत और माँ कौशल्या, एक दूसरे को धैर्य बनाते हैं। वशिष्ठ मुनि ने फिर बुलाया भरत को और कहा, पुत्र जो एक प्रक्रिया है वो प्रक्रिया तुम्हें निभानी है, अपने पिता को अंतिम संस्कार, आपको अंतिम अग्नि देनी है। ऐसा सोच के तो मैं ननिहाल से नहीं आया था गुरुदेव, मैं सोचता था कि मुझे निमंत्रण आया है, मुझे बुलाया है, मेरे पिता मुझे याद करते होंगे, मेरे भाई राम ने मुझे याद किया होगा, लेकिन जिनको देखे बिना मैं रह नहीं पाता था, आज उन दोनों को देखने की स्थिति नहीं है। पर पुत्र का जो कर्तव्य है वो निभाना पड़ेगा। कैसी रीति और कैसा विधान है ये रामायण कहती है।
कि बाल पने में पिता पुत्र को कांधे पर दुलराए हो। बाल पने में पिता पुत्र को कांधे पर दुलराए हो। कांधा देकर पुत्र पिता के ऋण से उऋण हो जाए हो। कांधा देकर पुत्र पिता के ऋण से उऋण हो जाए हो। रहे पिता को ध्यान पुत्र पर कोई आँच न आए हो। रहे पिता को ध्यान पुत्र पर कोई आँच न आए हो। पुत्र उसी कर्तव्य की खातिर पुत्र पिता के ऋण की खातिर उस तन में आँच लगाए हो। तन में आँच लगाए जो पिता कांधे पर झुलाता है अपने पुत्र को बचपन में, वही पुत्र कांधा दे करके उस पिता के ऋण से उऋण होता है। और जो जीवन भर सोचता है कि मेरे लाल पर कोई आँच ना आए, मेरे पुत्र पर कोई आँच ना आए, और वही उस तन में आँच लगाता है। कैसे विधाता की गति है। आज अंतिम संस्कार भरत ने किया, रो रो करके भरत ने अंतिम संस्कार किया और फिर लौट कर अयोध्या में आए।